सांगे तहसील के पाटन सावंगी कोयला खदान में ड्यूटी पर काम करते वक्त हुई कामगार प्रकाश सिंह दीपचंद्र राठौर 43 वर्षीय की मौत पाटन सावंगी कोल माइन प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर अनेक सवाल खड़े कर गई। एक और कोल माइन प्रबंधन तथा ठेकेदार बबन हुल्डे की लापरवाही की कीमत दो मासूम बच्चों को अपना पिता, बेसहारा हुई पत्नी को अपना पति और बूढ़े माँ बाप को अपना जवान बेटा खोकर चुकानी पड़ी। इस मामले की उचित जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग मृतक के भाई सुभाष राठौड़ तथा सभी कामगार संगठनों ने की है। दिनांक 3 फरवरी गुरुवार रात करीब 9 बजे हुए इस हादसे से कामगार तथा कामगार संगठनों में काफी रोष बना हुआ है। वहीं इस घटना के लिए ठेकेदार के साथ साथ पाटन सावंगी खान प्रबंधकों की भी दोषी मान रहे हैं। वहीं खान प्रबंधन भी खदान के अंदर हुई मौत को बाहर दिखाने या कोल माइन के वलनी अस्पताल में होने का बताने पर तुली है। साथ ही कामगारों की माने तो कामगार प्रकाश सिंह की मौत 13 लेवल बिल्ड पर काम करते वक्त घटना स्थल पर ही हो गई है। जिस वक्त उसकी मौत हुई वहां फर्स्ट एड कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। साथ ही घटना की सूचना मिलने पर भी ठेकेदार तथा संबंधित अधिकारी नदारद होने की बात कही जा रही है। बता दें कि उक्त हादसे के बाद घटना स्थल पर पहुंचे हमारे स्थानीय संवाददाता को कामगार तथा कामगार संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि ठेकेदार बबन हुल्डे कामगारों का शोषण करने में कुप्रसिद्ध है। ठेकेदार व खान प्रबंधन की मिली भगत से कामगारों का आर्थिक, मानसिक तथा शारीरिक शोषण किया जा रहा है। कोई कामगार इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे काम से बंद कर दिया जाता है। एक और बढ़ती उम्र, बेरोजगारी तथा परिवार की जवाबदारी के कारण कामगार ठेकेदार और खान प्रबंधन के शोषण का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते कामगारों को आधी अधूरी पगार, उसमें भी अगर काम करना है तो अपना एटीएम और बैंक पासबुक ठेकेदार के पास रहता है। ठेकेदार तय मासिक मेहनताना कामगार के बैंक खातों में डालता जरूर है, पर उसमें से आधे से ज्यादा खुद ही निकाल कर फिर एटीएम कामगारों को देने की बात आगे आ रही है। साथ ही कामगारों का सामूहिक बीमा, ईपीएफ, भविष्य निधि आदि कामगार सुविधाएं भी नियमित नहीं होने की बात आगे आ रही है, जिसकी उचित जांच होनी आवश्यक है। और यह सब बगैर खान प्रबंधन के सहयोग बिना संभव नहीं। क्या यूं कहे कि कोयले के दलाली में हाथ काले, यह बात ठेकेदार बबन हुल्ले को एचडीआर ऑपरेटिंग का ठेका दिया गया था तो उसके कामगार बेल्ट तथा अन्य स्थानों पर काम कैसे कर रहे हैं? क्या उन कामगारों के पास इन कामों हेतु लगने वाला वीटीसी प्रमाण पत्र है? सुनने में आता है कि ठेकेदार बबन हुल्डे का कोल क्षेत्र में इतना प्रभाव है कि वो मात्र आधे घंटे में सभी प्रकार की वीटीसी प्रमाण पत्र उपलब्ध करा लेता है, जिसके लिए तय कुछ दिनों का प्रशिक्षण कामगारों को लेना अनिवार्य है। पाटन सावंगी कोयला खदान में हुए इस हादसे के बाद हमारे स्थानीय संवाददाता ने कोयला खदान सेफ्टी बोर्ड के सदस्य जितेंद्र सिंह मल्ल ने पाटन सावंगी तथा अन्य कोयला खानों में खान प्रबंधन और ठेकेदारी की जारी मनमानी तथा शोषण व कामगारों के अधिकारों पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर इंटेक के नागपुर एरिया अध्यक्ष नरेश परवे, सेफ्टी बोर्ड सदस्य अखिलेश सिंह, वेलफेयर सदस्य ब्रिजेश सिंह, कामगार नेता राहुल सीरिया, देवानंद सिंह, बाबा खान आदि उपस्थित थे। हुआ है उसमें मैंने जो पहले आते ही समय सबसे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस का डिमांड किया, जो प्रबंधन ने पूरा नहीं किया। मैंने ग्रुप इंश्योरेंस का डिमांड किया, जो प्रबंधन ने पूरा नहीं किया। इसके बाद मैंने कामगार का वीटीसी हुआ है, ये मैं मानता हूँ कि वीटीसी हुआ होगा, वो तो आजकल आधे घंटे में ही उसका वीटीसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन वीटीसी जिस वर्क ऑर्डर के तहत वीटीसी होना चाहिए, उस वर्क ऑर्डर के तहत वीटीसी नहीं होता है। आप काम दे रहे हैं एसडीएल ऑपरेट करने को और उस कामगार को आप लगा रहे हैं बेल्ट ऑपरेट करने के लिए, तो आप ट्रेनिंग किस बात की दिए हैं, एसडीएल ऑपरेट करने की कि बेल्ट ऑपरेट करने का? इस पर प्रबंधन स्पष्ट नहीं हो पाया। बीसीएन न्यूज के लिए संवाददाता किशोर डुंडिले की रिपोर्ट।